Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So this is my first jewelry haul जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर करी थी. मैंने काफ़ी टाइम पहले ऑर्डर करी थी. मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बना नहीं पा रही थी. सो आई डिसाइडेड कि मैंने जो इतनी ज्वेलरीज मीशो से ऑर्डर की रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ. लेट सी कि ये कैसी आई हैं सारी ज्वेलरीज. वैसे मैंने एक एक बार इन्हें ओपन करके देख लिया बिकॉज मुझे लगा कभी ये कहीं से डिफेक्टेड ना हो. सो मैं ऑन टाइम से रिटर्न कर दूँ. सो दिस इज़ माई फर्स्ट ज्वेलरी. लेट सी, ये ज्वेलरी मेरे को कुछ इस तरह की पैकिंग में रिसीव हुई थी. फर्स्ट ये वाला पैकेट, देन उसके बाद ये बबल रैप मुझे मिला था जो कि मैं एक बार ओपन करके देख चुकी. सेकंड मुझे इस वाले बॉक्स में रिसीव हुई है ज्वेलरी. थर्ड, इसको ओपन करते ही इस पैकेट में, मतलब इन्होंने पैकेजिंग इसकी काफ़ी अच्छी दे रखी है. लेट्स सी ये ज्वेलरी, मैं इसको ओपन करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कैसी ज्वेलरी है. And this is the jewelry. You can see this is the jewelry. ये मुझे काफ़ी पसंद आई बट इसमें ये बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी है. सो मुझे ज़्यादा हैवी ज्वेलरीज पसंद नहीं है. मुझे बहुत लाइट वेट की ज्वेलरीज पसंद है बट ये बहुत अच्छी है. अगर आप कुर्ती वेयर करते तो इसमें बहुत अच्छी लगेगी. एंड ये थोड़ी इसमें लाइक वो झुमके टाइप के होते हैं वो है. एंड यू कैन सी इसका कलर एकदम सिल्वर टोन में है, जो ब्लैक ही सिल्वर होता है वो वाला कलर है. सो दिस इज़ माई सेकेंड ज्वेलरी. मेरे को ये ज्वेलरी भी इस बॉक्स में रिसीव हुई है. ये ज्वेलरी में 4 का पेयर था, मतलब 4 इसमें ज्वेलरी मेरे को रिसीव हुई है. एंड फर्स्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फर्स्ट इयर रिंग्स ये वाले. ये सेकेंड मुझे सेम ऐसे ही रिसीव हुए हैं बट ये थोड़ा पार्टी वेयर है. थर्ड मुझे ये रिसीव हुआ है. एंड लास्ट ये हुप्स हैं जो कि बीट्स में हैं. सो मुझे ये रिसीव है लास्ट. सो दिस इज़ माई थर्ड ज्वेलरी जो कि मेरे को सेम इस बबल रैप में मिली थी. एंड इसमें भी मेरे को सेम ये बॉक्स रिसीव हुआ है. यू कैन सी दिस बॉक्स. एंड उसके बाद इस पैकेजिंग में मुझे ये रिसीव हुई है. मैं इसे आपको ओपन करके दिखाती हूँ. एंड दिस इज़ माई फेवरेट बिकॉज ये बहुत अच्छे हैं, लुक वाइज भी बहुत अच्छे हैं. अगर आप कोई कुर्ती पहनते हैं सिंपल कुर्ती में, आप ये लॉन्ग इयर रिंग्स डाल सकते हैं. ये मेरे को अराउंड 100 रुपीज में रिसीव हुआ है. सो दिस इज माई फोर्थ ज्वेलरी. मुझे सेम इस बॉक्स में रिसीव हुई है. बॉक्स के साथ साथ ये मुझे ज्वेलरी इस पॉली बैग में रिसीव हुई थी. इन्होंने काफ़ी अच्छे से रैप करके दी थी ताकि कोई भी प्रोडक्ट डैमेज ना हो. एंड दिस इज़ द फोर्थ ज्वेलरी जो कि बहुत पार्टी वेयर है, बहुत अच्छी है. इसका प्राइस भी मैं मेंशन कर दूंगी. ये भी अराउंड मुझे 150 रुपीज़ में मिली थी. एंड यू कैन सी ये थोड़े से हैवी हैं. सो
सो दिस इज़ माई फिफ्थ ज्वेलरी जो कि मेरे को सेम इस बबल रैप में मिली थी एंड काफ़ी अच्छे से उन्होंने पैकिंग करके दी है क्योंकि इयर रिंग्स होते हैं कभी डैमेज हो। सेम इस बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ एंड सेम उसके बाद इस पॉली बैग में मुझे रिसीव हुआ। देन उसके बाद ये थोड़ा झुमकी वाले हैं एंड यू कैन सी ये आप देख सकते हैं ये ब्लैकिश टोन में है। ये पार्टी वेयर है, आप कोई भी सिंपल सी कुर्ती पहन सकते हैं, आप इसको साड़ी में वेयर कर सकते हैं, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं तो आप इसे वेयर कर सकती हैं। सो दिस इज़ माई सिक्स्थ एंड लास्ट ज्वेलरी जो कि मुझे इस कार्डबोर्ड वाले बॉक्स में रिसीव हुई है। देन उसके बाद ये इस पैकेजिंग में रिसीव हुई है, ये सेम ऐसे रिसीव हुई है। सो ये भी ब्लैकिश टोन में, जो सिल्वर वाला ब्लैकिश टोन होता है, एक सिल्वर होता है एक थोड़ा सिल्वर ब्लैकिश टोन होता है, ये उसमें मेरे को रिसीव हुई है। ये ज्वेलरीज मुझे काफ़ी पसंद आई बिकॉज मैं काफ़ी कुर्तीज़ पहनती हूँ तो मेरे पास ज्वेलरी नहीं होती, तो मैंने सारी ज्वेलरीज ऑर्डर करी। सो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इनको शेयर कर देती हूँ। नाउ यू कैन सी ये सारे इयर रिंग प्रिटी लग रहे हैं एंड मैंने सिंपल सी कुर्ती पहनी है और ये इयर रिंग्स थोड़े से हैवी हैं तो लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। मैं ये जो भी सारे इयर रिंग्स हैं उनका मैं प्राइस आपके साथ शेयर कर दूंगी, प्राइस के साथ साथ मैं जो भी इनका प्रोडक्ट कोड है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी क्योंकि मीशो में सिर्फ प्रोडक्ट कोड्स ही होते हैं एंड वो मैं आपके साथ सारे शेयर कर दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी इस वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करिए कि आपको इन सब में से कौन सा इयर रिंग सबसे ज़्यादा पसंद है। सो गाइज़ बाय, टेक केयर एंड अब मिलते हैं एक नेक्स्ट हॉल के साथ।